में होने वाले गति का विरोध कर सके। घर्षण बल के प्रकार के बारे में बताया गया था कि घर्षण बल तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है अस्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, और तीसरा है गतिक घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तीन प्रकार के, स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनेमिक, तीन प्रकार का होता है। इससे संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में मैंने पढ़ा था, घर्षण गुणांक क्या होता है और घर्षण कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, विश्राम कोण, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने घर्षण संबंधित नियम के बारे में पढ़ा, जिसे हम लोग बोलते हैं कुलाम का नियम। कुलाम का नियम पांच स्टेटमेंट है वो आपको दिए गए थे कि घर्षण बल जो होता है वो नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है। ये कभी भी एरिया पर निर्भर नहीं करता है, ये हमेशा सरफेस के रफनेस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से पांच स्टेटमेंट हैं जिसके बारे में आपको बताया गया था, जिसे हम लोग कुलाम का नियम कहते हैं। फिर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया घर्षण के ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, और हमने एक ग्राफ भी बनाना सीखा था। न्यूमेरिकल कुछ हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे, आज उसके आगे सॉल्व करते हैं क्या कहा गया है देखेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहा गया है 40 न्यूटन का भार सीमांत संतुलन में 30 डिग्री पर झुके हुए 30 डिग्री पर झुके हुए एक रुच्छ समतल मतलब रफ प्लेन, रुच्छ समतल पर रखा है। आगे पूछा है वस्तु तथा तल के बीच घर्षण गुणांक, इसे बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू से लिखते हैं इसको, घर्षण गुणांक ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, इसको देखेंगे। क्या कहा गया है, 40 न्यूटन भार का वस्तु सीमांत संतुलन में 30 डिग्री पर झुके हुए, देखिए 30 डिग्री पर, 36 से 30 डिग्री पर झुका हुआ एक रफ सरफेस है, ये 36 हो गया, यहां से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक वस्तु रखा गया। यहाँ वस्तु का जो भार है वो किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। भार है कितना, 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन का भार नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये सरफेस कैसा है, रुच्छ समतल है, रुच्छ मतलब रफ प्लेन है, तो रफ सरफेस है तो ऐसे होगा, जहां पर भी रफनेस होगी वहां पर घर्षण बल काम करेगा, जहां पर भी रफनेस होगी वहां घर्षण बल काम करेगा। किसका नियम है, कुलाम का नियम। कुलाम ने कहा था कि जो घर्षण बल का मान होता है वो सरफेस के रफनेस पर निर्भर करता है, रुच्छता पर निर्भर करता है, जितना ही रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा घर्षण बल होगा, यानी वस्तु का मोशन नहीं हो पाएगा। जैसे आप बालू पे चलो, बालू पे चलते हो तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, वहां पर घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। आप किसी चिकनी मिट्टी पे चलिए या कीचड़ में चलिए, तो कीचड़ में आप स्लिप कर जाते हो, चिकनी मिट्टी में, या बर्फ पे चलिए, बर्फ पे आप स्लिप कर जाते हो, क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान कम होता है। ये कुलाम का नियम होता है कि घर्षण बल हमेशा सरफेस के रफनेस पर निर्भर करता है, कितना एरिया है उस पर वो निर्भर नहीं करता। ये देख सकते हैं कि ये आपका 40 न्यूटन का भार नीचे की तरफ हो गया। क्या कहा गया है, वस्तु तथा तल के बीच, ये वस्तु है ये तल है, वस्तु तथा तल के बीच घर्षण गुणांक किसे लिखते हैं, म्यू से, घर्षण गुणांक म्यू ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू टेन लेमडा, म्यू इक्वल टू होता है टेन लेमडा, और आप जानते हैं कि यह सीमांत संतुलन में है, सीमांत संतुलन के केस में जो लेमडा की वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर हो जाएगी। ये जो लेमडा की वैल्यू होती है, लेमडा को बोलते हैं क्या, घर्षण कोण। होता क्या है, देखिए ये 40 है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा,
यहाँ पर एक प्रतिक्रिया काम करेगा R, जो R की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 40 cos 30। R की वैल्यू हो जाएगी 40 cos 30। इधर से वस्तु गति करेगा तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। घर्षण बल ऊपर की तरफ काम करेगा, घर्षण बल को बोलेंगे म्यू आर। आप देख सकते हो ये घर्षण बल हो गया, ये अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई, इसका एक रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा लाप पैरेललोग्राम, समान बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या कहता है, यदि किसी बिंदु पर दो बल काम करें, जैसे यहाँ दो बल कौन कौन से, आर और म्यू आर, यदि किसी बिंदु पर दो बल इस प्रकार से काम करें कि उसको एक समांतर चतुर्भुज द्वारा दिखाया जाए, जैसे यहाँ से सीधी लाइन खींच दें, यहाँ से लाइन खींच दें, तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, तो इसका विकर्ण इसके परिणामिक पर से जाएगा। ये इसका विकर्ण हो गया, ऐसे विकर्ण हो जाएगा, इसको हम यस से मान लीजिए लिख दे रहे हैं। तो यस और आर परिणामी बल और अविलंब प्रतिक्रिया के बीच बने हुए कोण को घर्षण कोण लेमडा कहते हैं। ये जो लेमडा की वैल्यू होती है वो हमने डिफाइन किया था कि यस और आर परिणामी बल और अविलंब प्रतिक्रिया के बीच बने हुए कोण को घर्षण कोण कहा जाता है। तो घर्षण कोण को हम लिखते हैं लेमडा से, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें घर्षण कोण क्या होता है ये पता होना चाहिए, और घर्षण कोण सीमान संतुलन के केस में लैम्डा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है ये भी पता होना चाहिए, और म्यू इक्वल टू टैन लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है क्षैतिज से 30 डिग्री पर अवनत समतल पर अवनत रुच्छ समतल पर साठ न्यूटन का एक पिंड रखा है, 24 न्यूटन भार का बल तल की समांतर पिंड पर लगा है। यदि पिंड नीचे की ओर फिसलने की स्थिति में हो फिसलने की स्थिति में हो तो घर्षण कोण ज्ञात करें। घर्षण कोण ज्ञात करें, ये क्वेश्चन में कहा गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 36 से 30 डिग्री की कोण पर अवनत तल, 36 ये हो गया 36 से 30 डिग्री के कोण पर, ये 36 से 30 डिग्री कोण पर अवनत तल, अवनत रुच्छ समतल पर, रुच्छ समतल है यानी सरफेस हमारा रफ हो गया, रुच्छ समतल पर 60 न्यूटन का एक पिंड रखा है। यहाँ पर एक पिंड हमने रख दिया जिसका भार कितना है, 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन का एक पिंड रखा है, 24 न्यूटन भार का बल तल के समांतर पिंड पर लगा हुआ है, 24 न्यूटन भार का बल तल के समांतर पिंड पर रखा हुआ है, किधर लगा है, ऊपर लगा है कि नीचे लगा है नहीं लिखा है, आगे पढ़ते हैं। यदि पिंड नीचे की ओर फिसलने की स्थिति में हो तो घर्षण कोण ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, पिंड किधर फिसल रहा है, नीचे की तरफ ये फिसल रहा है,
यानी गति जो हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, हमने एक बल लगा के इसको रोका है। बल कितना है? 24 न्यूटन का हम बल लगा करके इसको रोक रहे हैं, 24 न्यूटन का बल लगा के इसको हम रोक रहे हैं। अब निकालना क्या है? घर्षण कोण, घर्षण कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा। लेमडा की वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। अब लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी? लेमडा की वैल्यू टेन लेमडा इक्वल टू होता है म्यू। यदि म्यू का मान निकल जाए तो हम लेमडा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि म्यू का मान निकल जाए तो म्यू इक्वल टू होता है टेन लेमडा, तो वहां से हम लेमडा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा इसका? हम एफ बी डी बना रहे हैं। ये देखिए, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 का होगा। ये 60 है, 60 को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, वियोजित कर रहे हैं दो भागों में। ये हो जाएगा 60 cos 30 और दूसरा हो जाएगा 60 sin 30। यहाँ पर एक रिएक्शन काम करेगा R। आप देख रहे हो गति किधर हो रही है? नीचे की तरफ। तो घर्षण बल किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ। बोलेंगे हम लोग म्यू आर, घर्षण बल होता है म्यू आर के बराबर होता है। अब हम समेशन ऑफ y इक्वल टू जीरो करते हैं। समेशन ऑफ y इक्वल टू जीरो करेंगे तो आप देख सकते हो r की वैल्यू ऊपर की तरफ है। r इक्वल टू हो जाएगा क्या? 60 cos 30। r इक्वल टू हो गया 60 cos 30। यहाँ से हम R की वैल्यू को निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 60 रूट 3 रूट 3 बाई 2, यानी R की वैल्यू को हम निकालना है 30 इंटू रूट 3। ये R की वैल्यू हो गई, ठीक है। R की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे? समेशन ऑफ x इक्वल टू जीरो करते हैं।